हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। टुडे आवर टॉपिक इज़ अ बा, माय मदर, अ पर्सन, अ वुमेन। आवर टुडेज क्लास रिलेटेड इन बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट वन फाउंडेशन कोर्स इंग्लिश। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। सो फर्स्टली आई वांट टू से अबाउट द ऑथर। द ऑथर इज़ बा माय मदर, अ पर्सन, अ वुमेन। इन इज अ दर्शना ढोलकिया, दर्शना बेन ढोलकिया। बेसिकली सी बिलोंगिंग इन गुजरात एंड हर ऑल राइटिंग इज इन गुजराती। सो इट इज़ बेसिकली अ कंटेम्प्रेरी गुजराती राइटर एंड क्रिटिक आल्सो। एंड सी हैज़ पब्लिश 17 बुक्स इन गुजराती इंक्लूडिंग सम ट्रांसलेशन आल्सो। एज वी नो दर्शना बेन ढोलकिया इज अ गुजराती राइटर एंड सी ट्रांसलेटेड सम स्पेशल राइटिंग्स एंड एसे आल्सो। सी गॉट गुजराती साहित्य परिषद अवार्डेड एंड सी आल्सो अवार्डेड इन साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर हिज बेस्ट ट्रांसलेशन कैटेगरी इन 2011 फॉर कैरमलिन। नाउ इन प्रेजेंट डे सी इज़ अ प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ गुजराती इन कच्छ यूनिवर्सिटी। अबाउट द आर्टिकल, द प्रेजेंट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम हर बुक परिचय पर्व, अ फेस्टिवल ऑफ रिलेशनशिप, विच इज़ अ बकेट ऑफ इंट्रोडक्टरी पेन पोर्ट्रेट एंड एंथोलॉजी और शॉर्ट कैरेक्टराइजेशन ऑफ ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटीज, क्लोज रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। So, made by the author, the article portraits the author's mother, Rasika Bala Dhulakia. So, my dear student, in this topic, we learn about very beautiful relation between mother and daughter. In our home, we see a lot of time, who is the center in our home, our house? Definitely our mother. But any children's life, the whole world is her mother. Ba, my mother, a person, a woman, is a beautiful account of a girl talking about her late mother and fondly remembering everything about her. It is a story about parents who are our heroes. Ba means mother. The woman in context here was a real legend, a perfect wife, daughter, sister and mother. Ba was not just the center of the family, but when it came to the author, she was the center of the world. So is story mein hum samjhenge ek mother aur ek daughter ke beech ki jo bonding hoti hai, kaise ek mother apne daughter ke andar self respect aur इस सोसाइटी में कैसे रहना है, कैसे सर्वाइव करना है, कैसे स्ट्रगल को से हम फेस करते हैं, सीखते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है इस चैप्टर में। जो हमारी लेखिका हैं, राइटर हैं, जो ऑथर हैं दर्शना बेन ढोलकिया, उन्होंने अपनी मदर को, जिन्होंने लगभग कई दशक पहले उन्होंने खो दिया था, उनके बारे में अपनी जो यादें हैं उन्हें बताया है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माई लाइफ आई हैव मेट मैनी पीपल, गेटिंग एक्वेंटेड विद सम एंड नोइंग अदर इंटीमेटली। व्हेन एवर आई गो डाउन मेमोरी लेन आई सी ऑल दिस फेसेस, बट देयर इज़ वन फेस दैट स्टे अपर मोस्ट इन माई मेमरी, दैट ऑफ माई मदर बा। इट हैज़ बीन ओवर अ डिकेड सिंस शी पास्ड अवे, but even today I look back to see her as a person, as a woman. In fact, my current perspective of her is far more objective than it was then. Now that she is physically not beside me, the different facts of her personality at different levels keep unfolding in front of me. So इस पैराग्राफ में हमारी जो ऑथर है वो बता रही हैं कि
अपनी होल लाइफ में बहुत लोगों से उनका मिलना जुलना हुआ, जिन्हें वो अच्छे से पहचानती भी थी, जानती भी थी, उनके रिलेटिव्स, उनके क्लोज फ्रेंड्स। पर इन सब लोगों में जो उनके बा का कैरेक्टर है, जो उनकी बा हैं, बा मीन्स माँ, उन्हें वो कभी भी अपने से दूर नहीं पाती। एक दशक हो चुका है, 1 decade, एक दशक से भी अधिक हो चुका है। डिकेड मीन्स टाइम ऑफ 10 years, वी कॉल डिकेड। तो एक दशक से अधिक हो चुका है उन्हें गुजरे हुए, फिर भी वो उनके फिजिकल अपीयरेंस को अभी भी समझती हैं कि उनके पास ही हैं, वो उन्हें महसूस करती है अपनी बा को, उनकी पर्सनालिटी से, उनके जो बिहेवियर है उससे, उनके साथ गुजारे हुए जो पल हैं वो लेखिका भूल नहीं पा रही हैं। और भूले भी कैसे, वो उनकी मदर हैं, माँ हैं। उनको सेब देने में, उनकी पर्सनालिटी को सेब देने में उनकी माँ का क्या योगदान था, ये सब बातों को हम इस चैप्टर में रीड कर। आई वॉज बॉर्न वेन बा वॉज 39 years old। यहाँ पे हमारी ऑथर बता रही हैं कि जब लेखिका का जन्म हुआ, हमारी ऑथर पैदा हुई, उस टाइम उनकी जो बा है, माँ, वो 39 years की थी। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पीरियड वेन चाइल्ड मैरिज वॉज कॉमन कन्वेंशन दैट इज कुड फेयरली बी टर्म्ड एज ओल्ड एज। अब ये उस समय की बात है जब जो चाइल्ड मैरिज है बहुत कॉमन थी हमारी सोसाइटी में। मीन्स यहाँ पे ऑथर ये बताना चाह रही हैं कि उनकी जो बा हैं उनका मैरिज भी बहुत ही चाइल्डहुड में, बचपन में हो गया था। माई टू एल्डर ब्रदर वे आर मच ओल्डर देन मी। और यहाँ पे हमें ये भी पता चल रहा है कि ऑथर के दो बड़े भाई थे जो उनसे बहुत ही ज़्यादा एल्डर थे, बहुत ही ज़्यादा बड़े थे। मीन्स हमारी ऑथर दर्शना बेन और उनके जो एल्डर ब्रदर्स हैं उनके बीच में जो एज डिफरेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है। आई कैरी डिम मेमोरीज ऑफ माई ब्यूटीफुली ड्रेस्ड मदर। और मेरे मेमोरी में, दर्शना बेन बोल रही हैं, मेरी मेमोरी में मेरी मम्मा को वेल ड्रेस्ड, ब्यूटीफुली ड्रेस्ड पहने हुए जो मेरी पिक्चर है माइंड में बनती है वो बहुत ही डिम्ड है, बहुत ही कम है। देखते हैं क्यों। विडोहुड डिसेंडेड अपॉन बा एट द एज ऑफ 44। जब उनकी बा 44 की थी तभी उन्हें जो विडोपन है, विधवापन है, वो आ गया था। इट मीन्स उनके जो फादर हैं वो एक्सपायर हो गए थे। वेन आई वॉज मेयरली 5 years old। और तब हमारी जो ऑथर हैं दर्शना बेन वो ओनली 5 years की थी जब उनके पापा का डेथ हुआ। मेमरी ऑफ दैट सैड इवनिंग इज स्टिल फ्रेश इन माई माइंड। और हमारी ऑथर बता रही हैं कि उस शाम की जो मेमरी है वो आज भी उनके माइंड में स्टिल है, स्थिर है। उसका जो चित्र है वो अभी भी उनके माइंड में है कि उस शाम को क्या हुआ था। इट वॉज द लास्ट इवनिंग ऑफ भाज लाइफ। भाज मीन्स फादर। वो लास्ट इवनिंग थी उनके फादर की। इन द हॉस्पिटल्स ग्लूमी लाइट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प्स द लाइट ऑफ बाज वॉज स्प्रेडिंग ऑन बाज फेस। जो हॉस्पिटल की लाइट्स थी वो डिम थी, बहुत कम थी, और वो जो प्रकाश कम होती जा रही थी वो स्पष्ट उनके फादर के फेस पे भी दिख रही थी कि वो लाइट कैसे कम होती जा रही। इट मीन्स उनके फादर धीरे धीरे डेथ होने की ओर बढ़ रहे थे। द पैथोस ऑफ द इम्पेंडिंग पैथिंग वॉज स्प्रेडिंग ऑन बा फेस। और वो जो सिचुएशन है, वो जो सीन है, वो जो ग्लूमीपन है, वो जो सैडनेस है, वो बा के फेस पे भी फैल गई। इनग्लफल्ड इन अ सेंस ऑफ इम्पेंडिंग ट्रेजडी आई स्टूड देयर डिगनिंग टू द पार्टीशन ऑफ द हॉस्पिटल रूम। और वो सब कुछ वहाँ पे, जो थोड़ी से बगल में एक रूम था वहाँ पे खड़े होके जो हमारी ऑथर हैं दर्शना बेन वो ये सब चीज़ों को देख रही थी, महसूस कर रही थी। ओके, उनकी जो एज थी उस समय 5 years की थी, पर वो बहुत कुछ सुन रही थी, समझ रही थी और देख भी रही थी कि उनके फादर के साथ क्या हो रहा है, उनकी मदर का उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग अनटिल हर डेथ। और उनके फादर के डेथ के नेक्स्ट मॉर्निंग बा रिमेंड
क्लैड इन अ बॉर्डरलेस ब्लैक साड़ी. उन्होंने देखा कि उनकी जो बा थी वो एक बॉर्डरलेस ब्लैक साड़ी में थी, लाइट ब्लू ब्लाउज, और एक ब्लाउज था उनका लाइट ब्लू कलर का. अनडैंड हैंड्स, उनके जो हैंड्स थे वो अनडैंड थे, उसमें चूड़ियाँ या जो भी होती हैं वो नहीं था. नोज एंड ईयर्स आल्सो फुली ब्लैंक्स, नो एनी ऑर्नामेंट और एनी थिंग्स, नोज पिन और इयर रिंग्स एट्सेट्रा. बेयर फिट एंड अनरूली ऑयल फ्री ड्राई हेयर. और देखिए उन्होंने कॉम भी नहीं किया था, उनके जो हेयर थे काफ़ी ड्राई थे, बाघ के उनकी जो बात थी उनका. इट मीन्स जो एक होता है सुहाग की जो निशानी होती है हमारे इंडियन कल्चर में, तो उनके फादर के डेथ के बाद जो उनकी मदर थी वो पूरी तरीके से ट्रेडिशनल लुक में थी. एक जो विडो का एक ट्रेडिशनल जो लुक होता है, उनको कोई आर्नामेंट नहीं पहनना होता है और साड़ियाँ भी ब्लैक या वाइट पहनी जाती हैं, तो उन्होंने अपनी मदर को हमेशा वैसे ही देखा, क्योंकि 5 साल की एज से पहले ही जो भी वो देखी रही होंगी उनके माइंड में बहुत हल्की सी एक छवि थी उसकी. मोर देन कन्फर्मेंस टू द सोशल कन्वेंशन दिस स्टेट इज़ बींग एक्सप्रेस्ड बास साइलेंट रिवोल्ट अगेंस्ट हर फेट. हाउएवर दिस नेवर अफेक्टेड बास पॉजिटिव एटीट्यूड टुवार्ड लाइफ. पर ये इन सब चीज़ों ने भी बा की लाइफ की जो पॉजिटिवनेस थी उसको अफेक्ट नहीं डाला. बिकॉज लाइफ वॉज ऑल फॉर हर थ्री चिल्ड्रेन पर्टिकुलरली मी. अब जो बा थी उनका जो लाइफ था उनके तीनों बच्चों के लिए था. उनका कहना था कि अब मुझे जो भी करना है इन तीनों के लिए ही करना है, इन तीनों के लिए जीना है और इन लोग को एक सही शिक्षा देनी है. स्पेशली जो हमारी दर्शना बेन थी उनके लिए उनका प्रेम थोड़ा अधिक था. डिस्पाइट बींग इमोशनली सैटर्ड बाय द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, बा रिमेंड कंपोज्ड टिल द एंड ऑफ हर लाइफ एज अ स्किलफुल होम मेकर एंड केयरिंग मदर. देखिए वो बा कैसी थी, वो बहुत ही होम मेकर थी, बहुत ही अच्छी होम मेकर थी और एक केयरिंग मदर भी थी. सी केप्ट हर्सेल्फ बिजी विथ, और वो अपने आप को हमेशा बिजी रखती थी एम्ब्रॉयडरिंग, सीविंग एंड वीविंग. एम्ब्रॉयडरिंग मीन्स कढ़ाई करना, कसीदा करना, सीविंग मीन्स सिलाई करना, और वीविंग मीन्स बुनना, जो कपड़े बुने जाते हैं ना वो बुनना. टू इंस्टील ऑल दिस स्किल इन मी, और ये सारी स्किल्स बा ने अपनी बेटी यानी कि हमारी ऑथर दर्शना बेन को भी दिया. आई रिमेंबर एन इंसिडेंट वेन डॉक्टर चंद्र जोशी अ रिनोन्ड एकेडमिशियन ऑफ कच्छ वॉज विजिटिंग अवर होम. तो यहाँ पे एक बढ़िया सा एक याद है जो दर्शना बेन हम लोगों से शेयर कर रही हैं. एक छोटी सी घटना है जब डॉक्टर चंद्र जोशी उनके यहाँ विजिट पे आए. तो जो चंद्र जोशी थे, जब ये कौन थे, एक एकेडमियन थे कच्छ यूनिवर्सिटी से, तो हमारी दर्शना बेन जो ऑथर है उनके यहाँ विजिट पे आए. तो वहाँ पे बा हैड एम्ब्रॉयड वेलकम एंड प्लीज़ बी सीटेड ऑन द कुशन कवर्स. तो वहाँ पे जो ऑथर की बा हैं उन्होंने कुशन कवर पे बहुत ही सुंदर तरीके से एम्ब्रॉयडरी करी थी, कसीदाकारी करी थी, जिस पे लिखा हुआ था वेलकम और प्लीज़ बी सीटेड. तो इसे हमारे जो डॉक्टर चंद्र जोशी सर हैं वो आए उस चेयर पे बैठे जिसमें वो कुशन लगा हुआ था. While taking a seat on that chair, Dr. Joshi joyful commented. तो बहुत खुश हुए उस कसीदे को देख कर और खुशी से कमेंट किए. क्या कमेंट किए? Now, nothing remains to be done by anyone to welcome guest in your house. आपके घर में और किसी वेलकम की ज़रूरत ही नहीं किसी गेस्ट के लिए, इतना सुंदर वेलकम हुआ है, करके उन्हें बहुत खुशी हुई. और इस घटना को हमारी जो आथन है हम लोगों से शेयर कर रही हैं. ये उनकी बा और उनसे जुड़ी एक ब्यूटीफुल मेमोरी है. ग्रोइंग अप इन सोसाइटी राइडल विद डोगमा एंड ट्रेडिशन सीड ऑफ एस्पिरेशन एंड अवेयरनेस ऑफ बीइंग अ वुमन वेयर इंस्टिंक्टिवली शोन बाय द साइलेंट फायरनेस ऑफ माय मदर व्हेनेवर बा रिसीव पिटी और सिंपैथी फॉर मी इन द आईज ऑफ अदर्स. वो बिल्कुल नहीं चाहती थी बा की जो दया की भावना है, सिंपैथी है, वो कोई और हम लोगों के लिए आँखों में देखें. बा बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उनके बच्चों को कोई दया की नज़र से देखे या सिंपैथी की भाव से देखे. वो
बच्चों के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ इस्टीम, ये सब फीलिंग्स को, इन सब भावनाओं को भरना चाह रही थी। सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ इस्टीम। इन दैट ऑर्थोडॉक्स एंड कंजर्वेटिव पीरियड्स, विडोज हैड टू कन्फाइन देमसेल्फ टू डार्क एंड डिंगनी रूम्स व्हेनेवर नॉट अ सिंगल रेज ऑफ सन वुड टच देयर फीट। और जिस टाइम का ट्रेडिशनल टाइम था, बहुत पुराने समय की बात है, उस समय जो विडोज़ होती थी उनको ऐसे अंधेरे कमरे में रखा जाता था या रहना होता था जहाँ पे एक सन लाइट, एक सन रे भी, उन वन रे भी वहाँ तक ना पहुँच पाए, उनके फिट तक को भी टच ना कर पाए। वैसे टाइम पे जो बात थी, उन्होंने इस ट्रेडिशन को तोड़ा और इस ट्रेडिशन को तोड़ के एवरी इवनिंग, हमेशा शाम को, बा वुड होल्ड माई हैंड एंड टेक मी टू मेन गेट ऑफ आवर हाउस। वो हमारे ऑथर के हाथ को पकड़ती थी और उन्हें मेन गेट के पास, हाउस के पास, वहाँ पे जहाँ से एक पब्लिक रोड गुजर रही थी वहाँ पे वो बैठते थे। टुडे आई टेक इवन मोर प्राइड इन बा, और आज मुझे अपने बा पर बहुत बड़ा प्राइड है, गर्व है। उन्होंने जो रिवोल्ट अगेंस्ट डोगमा, जो उस टाइम का जो डोगमा था, जो रूढ़ियाँ थी, उन्हें तोड़ने का जो उन्होंने काम किया, उस पर हमारी ऑथर को अपनी बा पर बहुत गर्व है। एंड कन्वेंशन ऑफ अर टाइम दैट आई डिड देन एज आई ग्रीव अप, और जैसे जैसे हमारी ऑथर बड़ी हो रही थी, बास पर्सन परसोना टू ग्रीव लाइक अ ह्यूज ट्री इन माई माइंड, और जैसे जैसे हमारी जो ऑथर है बड़ी हो रही थी, उनके माइंड में अपनी बा के लिए जो उनका व्यक्तित्व था, जो उनका परसोना था, वो एक बहुत बड़े ट्री के जैसा था जिसकी छाया में हमारी जो ऑथर हैं वो बैठी हुई हैं। टेकिंग मी टू स्कूल, और उनका काम क्या क्या था बा का, उन्हें स्कूल लेने जाना, पहुँचाने जाना, पुटिंग कवर्स और माई न्यू नोटबुक्स, उनके नोटबुक्स में कवर लगाना, अफेक्शनली केयरसिंग देम वाइल डूइंग सो, टीचिंग मी नॉट टू सेट टीयर्स ऑन माइनर डिसअपॉइंटेड इन लाइफ, और उन्हें टीच करना कि छोटी छोटी बातों पे दुखी नहीं होना चाहिए, रोना नहीं चाहिए, जो भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई हैं उनको फेस करना चाहिए। हेल्पिंग हर इन द किचन वॉज अ लेसन इन ह्यूमिलिटी, और उनके साथ किचन में हेल्प कराना उनके लिए एक ऐसा लेसन था जो ह्यूमिलिटी का लेसन था। आई कुड नेवर आस्क हर व्हाट शी नीडेड, मैं उनसे कभी नहीं पूछ पाती थी कि आपको क्या चाहिए। आई वॉज सपोज टू नॉट ओनली एंटिसिपेट हर नीड्स बट ऑल्सो फुलफिल देम इंस्टेंटली। एनी स्लिप इन मैनर्स, अगर उनसे एक भी गलती हो गई, हमारी जो ऑथर हैं उनसे अगर एक भी छोटी सी गलती हो जाती थी किसी वर्क में, वॉज पनिश्ड बाई द रिफ्यूजिंग टू स्पीक विथ मी, तो उन्हें पनिश कैसे करती थी बा, वो उनसे बात करना बंद कर देती थी। आफ्टर मस्क कैजलिंग, कैजलिंग मीन्स मनाना, मक्खन लगाना, मस्का लगाना, तो बहुत सारे मान मनोवल के बाद सी वुड स्टार्ट टू कन्वर्स, वो शुरू करती थी बात करना उनकी जो बा हैं, बट इन शॉर्ट क्रिस्पी सेंटेंस, बहुत ही कम और रूखे शब्दों का प्रयोग करती थी। नो चॉइस ऑफ फूड वॉज एवर इंटेंड इन मील्स, वेट एवर वॉज सर्व हैड टू बी कंज्यूम्ड, हर रिस्पॉन्स टू माई रिफ्यूजल टू ईट सर्टेन फूड वॉज, इफ़ यू ईट लेस नाउ योर स्टमक विल बी बेटर। तो यहाँ पे हर चीज़ के लिए बा के पास एक आंसर रहता था, जैसे अगर कभी खाना कम पड़ गया तो बा ये कहती थी कि इफ़ यू ईट लेस ना, यदि तुम अभी कम खाओगी तो योर स्टमक विल बी बेटर, तो तुम्हारा पेट अच्छा रहेगा। मतलब एक बढ़िया सा फैक्ट के साथ आंसर करना, ताकि बच्चों को भी किसी चीज़ के लिए दुख ना पहुँचे कि हमारे पास खाना कम है। Now the years are passing away since Ba ate her clarity of thoughts and deep understanding of life are a part of my inner self. और अब जब उनके गुजरने के बहुत समय बीत चुके हैं, मुझे उनके जो thoughts हैं उनमें clarity समझ में आ रही है, उनके जो विचार हैं जब उन्होंने मुझे मेरे बचपन में बताए थे, ऐसा हमें दर्शनाबेन बता रही हैं, तो उन विचारों की जो क्लैरिटी है वो अब मेरे समझ में आ रही है। सी हैड निलेजिबल एजुकेशन एट सी मेड सो मच ऑफ हर सिंपल लाइफ एंड गेव कॉन्फिडेंस टू दोज अराउंड हर। अब यहाँ पे उनके लाइफ का जो सिंप्लिसिटी है, वो ज़्यादा पढ़ी नहीं थी, जो बात थी वो सेवेंथ स्टैंडर्ड तक ही पढ़ पाई थी, फिर भी लाइफ के लिए उनके लिए जो पॉजिटिविटी थी वो बहुत ही
जो हमारी ऑथर हैं उनके लिए बहुत ही रिलायबल हैं, वो उसे अपने लाइफ में आत्मसात कर रही हैं। बा लिव्ड एन ओपन लाइफ डिवर्स प्रोमिसिटी, सी इंक्लूडेड इन अस अ रिच लेगेसी ऑफ वैल्यू। उनके लिए जो वैल्यू है वो टॉप पर था, फर्स्ट प्रायोरिटी थी वैल्यू। एवरी नाइट इन मेमोरीज ऑफ बा जेंटली कम एंड सीट अपॉन माई आईलिड्स। और हर रात को हमारी ऑथर के साथ क्या होता है, हर रात को उन्हें बा की मेमोरी आती है, बा की याद आती है जो उनके आईलिड्स पर बैठी हुई हैं लाइक अ टीयर्स। बा आस्क मी, और बा पूछती हैं ऑथर से, आर यू असली, क्या तुम सो रही हो। दिस इज़ नॉट डन, देयर आर मेनी थिंग्स स्टिल अनटोल्ड। बहुत सारी बातें हैं जो कहीं नहीं जा सकती, उन्हें कुछ शब्दों में पूरा नहीं किया जा सकता। आई एम इंक्रड बाई द बाज अबसेंस, आई फील प्रिवलेज टू बी बाज डाटर, आई गॉट हर एंड देन आई लॉस्ट हर टू, बट डिड आई नो द बॉन्ड बिटवीन अस रिमेन्स इंटैक्ट टू दिस डे, सी कंटिन्यू टू लाइव विद इन मी, आई एम वेरी प्राउड आई हैव स्लेप्ट इन द वोम्ब। और यहाँ पर हमारी ऑथर बता रही हैं कि बा का उनके जीवन में क्या रोल है, क्या इम्पोर्टेंस है। और यहाँ पे वो ये भी कह रही हैं कि उन्हें बहुत प्राउड है कि वो उन्होंने बा के ओम में रेस्ट किया, स्लिप्ड हुई। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।